जय श्री कृष्णा साथियों, आज हम फिर से आप लोगों को लिए एक नज़ारा सूरत शहर का खूबसूरत लुहावना दृश्य लेकर आपके सामने आए हैं। तो यहाँ पे गुजराती भाई रात में जब भोजन उजन कर लेते हैं तो भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो हम भी देखिए एक कंपनी का सेठ हैं तो बगल का अपार्टमेंट में भी रहते थे, तो इनके साथ हम भी आज भ्रमण पे निकल गए हैं रात में। तो अम्मी चाचा के साथ जब भ्रमण कर रहे थे तो एक अजीबोगरीब चीज़ हमें इस ट्रॉफी या रोड पे मिला। ये चीज़ हम जब स्टार्टिंग में देखे तो भयभीत हो गए और भयभीत होने के बाद में हम इसे देखकर भागने लगे। फिर जब इसको पास गए रोके तो जब हम इसे देखकर हाथ में लिए तो हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो ये ऐसा विचित्र जीव को देखकर हम तो भयभीत हो गए थे, लेकिन चाचा जी बताए कि ये पहाड़ी कछुआ है, ये स्टार कछुआ बोलते हैं इसको। ये बहुत ही खूबसूरत जीव था और हमें देखने के बाद में इसे छोड़ने का तो दिल नहीं किया, हम इसे हाथ में उठा के कमरा तक ले आए और लाए। और इसको ये जीव का खासियत है कि ये पानी में नहीं उभयचर प्राणी में नहीं आता है, ये सूखा पे रहता है। और बहुत ही विचित्र जीव है इसका, इसका बॉडी के ऊपर बहुत हार्ड हैं और अस्टाउन पे लग रहा है कि इसे कोई चिप यानी GPS फिट किया हुआ है पूरा बॉडी में, उस टाइप से दिख रहा है। तो अजीबोगरीब चीज़ था, तो हमारे लिए तो बहुत ही विचित्र चीज़ दिखा है। देखिए घास भी खाता है, घर पे लाए तो इसको घास मतलब सब्जी भी खिलाया तो सब्जी भी बहुत ताप से खा रहा था। और ये प्राणी से बहुत मिलता जुलता जीव है। तो हमने डिसाइड किया घर में सब जितने हम लोग डेरा पे जितने भी दोस्त लोग थे, हमने डिसाइड किया कि इसको कल सुबह जा कर के हम लोग जंगल में छोड़ देंगे। तो हम लोग को जीव से बेहद प्यार करना चाहिए और ये ऐसे प्रजाति तो हम लोग को धरती से लुप्त ही हो रहा है, तो हम लोग को रक्षा करना भी इसका दायित्व बनता है। तो इसी के साथ है, देखिए एक गुजराती सेठ हैं ये चाचा जी इस जीप को पकड़े हैं और इनको अब हम लोग छोड़ देंगे कल सुबह जा कर के इसको जंगल में।